जी जी बोल रहा हूं, डेड बॉडी। मौके पर कौन सा ऑफिसर? ठीक है, अजमेर से कहो के वहीं रहे, मैं वहीं आ रहा हूं और तुम भी वहीं आ जाओ। ठीक है, अरवान ड्राइवर से कहो गाड़ी लगा दे। आपकी हर वक्त अखबार पढ़ने की आदत से बहुत तंग हो। भाई 22 साल हो गए, अब तो तुम्हें इसका आदि होना चाहिए। अबू अम्मी का तो पता नहीं, लेकिन हम तो आदि हो चुके हैं। भाई सच बात है कि अबू का ये अखबार हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है। मुझे तो अखबार से कोई दिलचस्पी नहीं अबू, सवाए कत्लो गारत के अखबार में होता ही क्या है। तुम ठीक कहते हो बेटा, अभी अभी मैंने अखबार में खबर पढ़ी है, एक नौजवान लड़की की वीरान जगह पर एक लाश मिली है, पुलिस को बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद किया गया है, न जाने कौन थी वो बेचारी। क्यों, नाम पता नहीं लिखा क्या? नाम पता तो नहीं, पता एक तस्वीर दी है और अपील की आवाम से कि अगर इस लड़की के बारे में किसी को मालूम हो तो पुलिस को इतला कर दे। किसी को पता भी होगा ना तब भी कोई नहीं बताएगा। क्यों, उल्टा जान अपनी मुसीबत में आ जाएगी। ऐसी भी कोई बात नहीं है अम्मी, बतौर शहरी अपना फर्ज सबको अदा करना चाहिए, चाहे फर्ज उल्टा अपने गले पड़ जाए। ओहो अम्मी, तानिया ठीक कहती है। भाई अगर कोई बराह रास्त नहीं जा सकता पुलिस के पास और उसको कोई हिचकिचाहट महसूस होती है तो वो कॉल भी कर सकता है 15। अबू आप लोग पुलिस पर बहस करें, मुझे तो देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा तुम जाओ, मैं भी थोड़ी देर के बाद जाता हूँ, जरा अखबार पे एक नजर देख लूँ। अम्मी अम्मी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक अंडा की बना दे, मुझे मैं होंगी पहले हैं, मुझे तो नहीं आना चाहिए। पीएसपी ऑफिसर, चार किताबें क्या पढ़ लेते हैं, दो सितारे कंधों पे लग जाते हैं, सोचते हैं एक दिन में अमन कायम कर देंगे। सर इन कल के नौजवानों को क्या पता, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, तजर्बा चाहिए तजर्बा। देखना देखना अब आते ही बुलावा आ जाएगा कि खलील साहब ये क्या हो रहा है हमारे इलाके में, लड़की की लाश किसने फेंकी, ले हमने फेंकी है लाश। उस कमबख्त को लाश फेंकने के लिए हमारा इलाका नजर आया था। चुप हो जा, दीवारों के भी कान होते हैं। सर हमने तो मुफ्त में मुसीबत में फंसा दिया ना। इस रफीक के बच्चे को तो मैं देख लूंगा, मिलता हूं मैं उस मैडम निगार को, और एक कहा भी था मैंने उसको कि खून खराबा नहीं होना चाहिए। सर आपको साल याद कर रहे हैं, लो देखा आ गया बुलावा, आ गया बुलावा, सब याद कर रहे हैं। और तू सारी जिंदगी मेरी शक्ल ही देखता रहे। अतिया बहन, हमारा मोहल्ला काफी हद तक पुरसकून है और यहाँ के हमसाये तो बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर आपको किसी किस्म की तकलीफ या अजनबियत का एहसास नहीं होगा। मेरा बेटा सैमी एक फर्म में अकाउंटेंट है, हम जिस इलाके में रहते थे वो इलाका भी बहुत अच्छा था, लेकिन मालिक मकान का भाई अचानक बैरूनी मुल्क से वापस आ गया तो मुख्तसर नोटिस पे हमें मकान खाली करना पड़ा। अच्छा क्या ना, आप यहाँ आ गई, यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कभी कोई मसला नहीं होता, बस कभी कभार कोई इक्का दुक्का नौजवान शरारत कर जाए तो। अरे कोई बात नहीं बहन, मेरे घर कौन सी बेरी है जो पत्थर आएंगे। लेकिन मेरे घर में तो दो दो बेरी है, इसीलिए पत्थरों के आने के इम्कान भी ज्यादा है। लेकिन ये बताए वो बेरियां हैं कहाँ, मिलवाएंगी नहीं? जी जी बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन वो जरा बाजार तक गई हुई है, बस आती ही होंगी।
ही आ गई। आओ बेटा आओ। बेटा ये है आपकी आंटी अतिया, नई हमसाई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। अपनी आंटी के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ और साथ कुछ खाने के लिए भी ले आना। जी अच्छा अभी ला दे। माशाल्लाह आपकी बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। बैठो नखमा। मैडम मैडम आलिया नजर नहीं आ रही। नखमा वो बॉस है, उन्हें और भी बहुत से काम होते हैं। लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ काम पर तब से मैंने उन्हें बहुत कम देखा है। छोड़ो इन बातों को। वैसे एक बात है नखमा, मैडम आलिया तुम्हारे काम की बहुत तारीफ करती है। मैडम बस ये तो आपकी मेहनत का करिश्मा है, वरना मैं किस काबिल। नहीं नहीं नखमा, मेरी मेहनत के साथ साथ तुम्हारी मेहनत भी शामिल है। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू। क्या बात है कुरेश साहब, आज कुछ लंबा ही हिसाब किताब हो रहा है। भाई अकाउंटेंट हूँ, हिसाब किताब नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा। हमें भी कुछ पता चले, कोई खास हिसाब है क्या? जा वो दरअसल अखबार में इश्तियार छपाने, मैं ये सोच रहा था कितने सेंटीमीटर और कितने कालम में और कहाँ छपाने, ये ज़रा हिसाब किताब लगा रहा था। कैसा इश्तियार? वो मिडल ईस्ट में लेडी सेक्रेटरीज की ज़रूरत है। कुरेशी साहब ये वही ऑफर है ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग वाली? जा जा वही है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि कंपनियां तो तजर्बाकार लोग मांगती हैं और थोक के हिसाब से लोग मिल भी जाते हैं, फिर ये अनट्रेंड लड़कियां रखने की क्या ज़रूरत है? शरीफ साहब ये बड़े और अमीर लोगों को तजर्बे का सेक्टर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें अपने ऑफिस के लिए एक डेकोरेशन पीस चाहिए और वो चाहते हैं कि उनके ऑफिस की खूबसूरती की तरह उनकी सेक्ट्री भी उनसे मैच करती हो। ये तो वैसे आप ठीक कहती हैं। तशरीफ रखें। मिस नायला, आपको पता है कि हमारी फर्म ने अभी हाल ही में एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में भी हाथ डाला है। जी सर। मैं इस काम को भरपूर तरीके से सरंजाम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए एक तजर्बाकार मैनेजर का तकर्रुर कर दिया जाए। आप इसके लिए अखबार में इश्तहार दे दें। इसके बाद हम एक फैशन शो का इनेकाद करेंगे। मैं एडवर्टाइजिंग के बाद शो बिज में भी सरमायाकारी करना चाहता हूँ। लेकिन सर उसके लिए तो स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। ये सब आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा। रिक्रूटिंग एजेंसी का काम तो आप तीनों ने संभाल रखा है, शो बिज के तकाजे कुछ और होते हैं। मैं कुरेशी साहब को इश्तहार दे देती हूँ। आप यूं करें कि ये लीजिए, ये उम्मीदवारों की रिक्वायरमेंट है जो इश्तिहार में लाजमी आनी चाहिए। ठीक है आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। कुरेशी साहब जी, बॉस ने इश्तिहार छापने के लिए दिया है। कैसा इश्तिहार? एडवर्टाइजिंग के शोबे के लिए मैनेजर की जरूरत है। चलो एक टेबल का और इजाफा हो जाएगा। बॉस का अपना इतना शानदार ऑफिस, शायद अब चेंज आ जाए। मुश्किल है, मुश्किल है। बॉस अपने ऑफिस से काम चलाएंगे, वैसे भी बॉस का कमरा पहले और हमारा बाद में आता। चलो जी हमें क्या
अदनान बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाउ आर यू आंटी? और बेटा अदनान, भाई वो मेरा दोस्त रुस्तम खान कैसा है? बहुत दिन से उसका फोन नहीं आया, तबीयत तो ठीक है उसकी? जी अंकल, बाबा बिल्कुल ठीक है। मेरी भाई से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि शिकार पे गए हुए हैं, कुछ मेहमान आए थे उनके मुल्तान से। मैं भी हैरान था कि रुस्तम खान और मुझे फोन ना करे। मेरा ख्याल है उन्होंने आपको फोन तो किया था, लेकिन शायद आप भी शहर से बाहर थे। हाँ हाँ, एक मीटिंग के सिलसिले में मुझे कराची जाना पड़ गया था। मदिया बेटी बातें ही सुनती रहोगी या अदनान बेटे को कुछ खिलाओगी भी? ओह सॉरी मम्मी, बातों बातों में भूल ही गई थी। वैसे ये कोई मेहमान तो नहीं है ना, खुद भी खा सकता है। वैसे अदनान हमें मेहमान लगता ही नहीं है, घर का फर्द लगता है। वैसे बेटा तुम हो तो फ्यूडल फैमिली से, लेकिन तुम्हारा स्टाइल जागीरदार वाला नहीं है। अगल सारे फ्यूडल एक जैसे नहीं होते, जमींदारी के कुछ तकाजे होते हैं जो कम से कम मैं पूरे नहीं कर सकता, लेकिन भाई पूरे कर रहा है। हाँ वो भी खासा रोशन ख्याल है, पक्का जागीरदार नहीं लगता। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कभी कभी उसे मसलियत के तहत रोशन ख्याली से तारीख ख्याली पे भी आना पड़ता है। तुमने ठीक कहा बेटा, एक जमींदार भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और ज़ाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अपने तकाजे होते हैं। हाय एवरीबॉडी, चाय चल रही है। सच पूछे तो मैं सिर्फ चाय पीने ही आया था। अदनान साहब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। शुक्र अल्लाह का। मदिया फवाद को चाय बना कर। ओके डैडी। फवाद भाई भी क्या याद करेंगे कि फर्स्ट कजन के हाथ की चाय पीना किसी एजाज से कम नहीं है। और वैसे भी आई थिंक बहन के हाथ की चाय पीने में अपना ही मजा है। क्यों फवाद साहब? जी बिल्कुल, लेकिन आप मदिया को मेरी कजन ही रहने दें। फवाद भाई ये बताइए कि वो नौजवान लड़की वाले मामले का क्या बना? उसकी लाश की शनाख्त हो गई। कौन थी वो? इस बात को फिलहाल हम सीक्रेट रख रहे हैं। व्हाई? क्यों? इसलिए कि इससे किसी इज्जतदार फैमिली के बदनाम होने का खतरा है, और वैसे भी आप मीडिया वाले न किसी की इज्जत का ख्याल रखते हैं और न ही किसी की मुसीबत का। ये मीडिया पे इल्जाम है? ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। ओके देन प्रूव इट मिस्टर फवाद, आपको साबित करना होगा। अदनान साहब आप अपने दिल से बताइए कि जब कभी कोई हादसा होता है तो आप या आप जैसा कोई भी रिपोर्टर अस्पताल की तरफ भागता है और डॉक्टर से पहला सवाल ये करता है कि कितने मरे। अगर डॉक्टर आगे से जवाब दे के कोई नहीं मरा तो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि किसी के मरे बगैर आपकी रिपोर्ट नहीं बनती। हालांकि आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, आप जैसे रिपोर्टर को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। Well, I think आप किसी हद तक ठीक ही कह रहे हैं। सिर्फ मीडिया ही नहीं, आपका महकमा भी दूसरों की मुसीबत पर खुश होता है। वो कैसे? जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा नजराना। मदिया तुम बात को दूसरा रुख दे रही हो। ओहो छोड़ो, तुम लोग किस बहस में पड़ गए हो भाई? हर महकमे में कुछ न कुछ कमजोरियाँ तो होती ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने आंटी। वैसे फवाद साहब, आजकल मैं और मदिया एक फीचर की तैयारी कर रहे हैं, उस सिलसिले में हमें आपका तावन चाहिए। एज ए प्रोफेशनल मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। वैसे बाय द वे किस चीज़ पे काम हो रहा है आजकल? फवाद साहब हमें कुछ शवाहद मिले हैं कि इस इलाके में कुछ लोग औरतों की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। वो ना सिर्फ बैरून मुल्क से औरतें स्मगलिंग करते हैं बल्कि उनसे गलत काम भी करवा रहे हैं। दिस इज़ न्यूज़ फॉर मी, दिलचस्प। हालांकि आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आपके इलाके में किस किस्म की सरगर्मियां हो रही हैं। आई थिंक दिस इज योर ड्यूटी, है ना? यस आई नो, बट पुलिस शवाहद पे तफ्तीश करती है। पुलिस वाले ना तो नजूमी होते हैं और ना ही कोई आमिल, और ना ही हमारे पास कोई जिन भूत होते हैं इतला देने के लिए। लेकिन आपके पास मुखबर होते हैं, और मेरा ख्याल है वो भी किसी जिन से कम नहीं होते। अदनान साहब आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा माशरा इस वक्त किस वबा की लपेट में है, फिर भी आप ओके 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 एसपी साहब, आई थिंक आप ठीक ही कह रहे हैं।
मेरे ख्याल है आज के लिए इतनी बस काफी है, अब कुछ खाते पीते हैं प्लीज। मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया है, उम्मीद है काम जल्द हो जाएगा। मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया है, इरम के घर वालों को दावत पर बुला लिया है। ये तुमने बड़ा अच्छा किया त्या। फिर तुमने मेरा नाम लिया, अम्मी कहा करो अम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मेरा नाम लेते हुए कोई सुन ले तो बहुत मसला बन जाएगा। ओफो, सॉरी अम्मी जान। वैसे एक बात बताऊं, ये इरम अच्छी लड़की है। हाँ, उसी पर तो हाथ साफ करना है। आप ठीक कह रही हैं। वैसे अगर मैडम को एक लड़की का बंदोबस्त का कह दे तो जरा एतबार बन जाएगा। देखें, अगर घर में एक लड़की हो तो लोग जल्दी एतबार कर लेते हैं। नहीं, फिलहाल ये मुनासिब नहीं। अगर कजन वगैरह बनाकर भी बुला लिया तो बहुत मसला बन जाएगा। तुम्हें नहीं पता नौजवान लड़कियों वाले किस तरह सोचते हैं। और हाँ, इरम को भी यही मालूम होना चाहिए कि तुम अकेले हो और तुम्हारी कोई नौजवान रिश्तेदार नहीं। जी हसन साहब, क्या हाल है आपके? जी जी बिल्कुल खैरियत है। राबी अभी हाजिर हो जाएगी, आप हुक्म तो कीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बस अभी आती है। ओके।